ਜ਼ਲਾਈ ਮਾਰਦ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ 40 ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇਜਪਾਲ ਦੀ ਮੌਤ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਰੂਸ ਤੇਜਪਾਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ कैथल दे विच एक नौजवान की कुटमार मामले च एसआईटी का गठन मुलजमान ते रखिया 10,000 का इनाम खालिस्तानी कह के सिख शख्स के उत्ते हमला करन दा है इल्जाम अरविंद केजरीवाल नूं मिले सीएम मान दिल्ली दी तिहाड़ जेल दे विच पार्टी सुप्रीमो दे नाल कीती मुलाकात लोकसभा चोणां दे नतीजियां तों बाद पहली मुलाकात बंब की धमकी तों बाद बंब स्क्वाड ने चंडीगढ़ के हस्पताल की कीती चैकिंग कोई भी शक्की चीज नहीं हुई बरामद पुलिस पता लगाने विच जुटी कितों आई सी ईवे फगवाड़ा नेड़े वंदे भारत ट्रेन के उत्ते हुई पत्थरबाजी ट्रेन के दो शीशियां नूं पहुंचिया नुकसान अमृतसर तो दिल्ली जा रही सी ट्रेन दिल्ली के जल संकट से सुप्रीम कोर्ट सख्त दिल्ली सरकार तो पुछया टैंकर माफिया के खिलाफ हुण तक की लिया एक्शन जे हिमाचल के कोल नहीं है वाधू पानी तो पहलां देण दी क्यों कही सी गल हरियाणा के नवी शराब पॉलिसी के तहत सूबे के महंगी हुई शराब बीयर कीमतों में भी इजाफा नाल ही हाल ही के सैनी सरकार ने नवी पॉलिसी दी है मंजूरी चंद्रबाबू नायडू चौथी बार बने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने डिप्टी सीएम के वजों चुकी सहुं समागम के प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह सने बीजेपी के कई बड़े आगू हुए शामिल सत श्री अकाल स्वागत है गौरव शुक्ला मैं हाँ नाल ते हाजर हाँ फर्क तो पैंदा है लैके जदों लोगों नूं पीण दे पानी की समस्या दे नाल दो चार होना पवे सुप्रीम कोर्ट सख्त टिप्पणियां करे सूबा सरकारां नूं ताड़ना कीती जावे पर बावजूद इस दे पानी की किल्लत दूर ना होवे फिर फर्क तो पैंदा अज शुरुआत करन जा रहे हां सब तो पहला गल दिल्ली दी दिल्ली दे विच जल संकट दे उत्ते सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी की सरकार अते हिमाचल की कांग्रेस सरकार नूं झाड़ पाई सुप्रीम कोर्ट ने टैंकर माफिया के उत्ते सवाल चुके अते पुछया कि टैंकर माफिया के उत्ते की कार्रवाई हुई जेकर कार्रवाई नहीं हुई तो असी दिल्ली पुलिस नूं दसांगे पानी की बर्बादी रोकने के लिए की कदम चुके गए कोर्ट दे विच पूरी रिपोर्ट सौंपी जाए उत्थे सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार नूं पुछया कि जदों वाधू पानी ही नहीं है तो देण दी गल क्यों कीती जिक्र खास है कि दिल्ली दे विच इस समय पानी का संकट है सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि हिमाचल पानी दे पानी जब आ ही रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश क्यों दिया एक बार तो बृंदर सचदेवा से कोई पूछे कि अगर पानी सब आ ही रहा था तो सुप्रीम कोर्ट को ये आदेश देने की जरूरत क्यों पड़ गई समझ नहीं आई कि सुप्रीम कोर्ट ने किस संदर्भ में बोला हमने तो समझौता किया हुआ है और हमने तो पानी छोड़ा हुआ है अब जो हरियाणा की बाउंड्री लगती है उससे आगे तो हरियाणा गवर्नमेंट ने दिल्ली को छोड़ना है सुप्रीम कोर्ट के आदेशों तो बाद हिमाचल के वालों 137 क्यूसिक वाधू पानी दिल्ली नूं देण दे आदेश दिए गए सन हालांकि दिल्ली सरकार का इल्जाम है कि हरियाणा जानबूझ के पानी सप्लाई नूं हौली कर रहा है जबरदस्त गर्मी के विचाले दिल्ली च जल संकट बरकरार है और दिल्ली की जनता परेशान है दिल्ली के कई इलाकों के लोग MCD के पानी टैंकर के उत्ते ही डिपेंड हो गए हैं टैंकर तो पानी लैण के लिए भी लोगों के विचाले रेस लगी नजर आती है ते इस समय दिल्ली दे विच टैंकर माफिया की भी खूब हलचल नजर आ रही है जिस तरीके नाल महंगे पानी के टैंकर भी बेचे जा रहे हैं खैर हुण पानी की किल्लत किवें दूर होएगी दिल्ली च एक वड्डा सवाल है इस सब दे विचाले जम्मू कश्मीर दा रुख करदे हां जम्मू कश्मीर दे विच दहशतगर्दां दे नाल एनकाउंटर दे विच फौज दे जवानां ने दो दहशतगर्दां नूं ढेर कर दिया एनकाउंटर दे विच CRPF दा एक जवान शहीद हो गया दरअसल दहशतगर्दां ने जम्मू कश्मीर दी कठुआ ते डोडा दे विच दहशतगर्दी हमले किए डोडा च दहशतगर्दां ने फौज दे ऑपरेटिंग बेस नूं निशाना बनाया जिस दे विच 5 जवानां सने 6 लोग जख्मी हो गए चंद्रकला में अभी रात को आपको जैसे पता है कि हमारा एक ऑपरेशन आर्मी CRPF पुलिस सभी का एक जॉइंट ऑपरेशन वहाँ पर उस इलाके में चल रहा था तो उस जॉइंट ऑपरेशन के तहत जब टेररिस्ट एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है तो उसमें उस इलाके को पूरा कॉर्डन में लिया गया अभी ऑपरेशन हुआ जाए
काबले गौर है कि इस तो पहला दहशतगर्दा ने रियासी च श्रद्धालुआं दी बस नूं निशाना बनाया सी। जम्मू कश्मीर दे विच पिछले तीन दिनां दे विच तीन दहशतगर्दी हमले होए ने जिस दे विच 11 मौतां ते फौज दे जवानां सने 48 लोक जख्मी होए ने। जानकारी मुताबक सारे दहशतगर्द आपस दे विच संपर्क दे विच सी अते लगातार थां बदलदे होए लुक रहे सन। हालांकि हमलावरां दी तलाश दे विच लगातार फौज दा सर्च ऑपरेशन भी जारी है। इस सब दे विच आले एक वड्डी खबर आ रही है, उसदा रुख करदे हां ते खबर है कुवैत तों। कुवैत दे विच 6 मंजिला इमारत दे विच भयानक अग लगी है और अग लगण दी वजह दे नाल जो जानकारी है कि 40 लोगों की मौत हो गई है और जानकारी यह भी है कि 40 लोगों के ज्यादातर भारतीय मूल के लोग ने, कई होर व्यक्ति भी गंभीर रूप से जख्मी हुए ने। इमारत के लोगों को बाहर कढ़ने का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। कुवैत तो इस समय बहुत वड्डी खबर है, इनफैक्ट पंजाब दे लई भी तुसीं कह सकते हो कि अहम ते वड्डी खबर, क्योंकि कुवैत दे विच बहुत सारे पंजाबी भी जिहड़े अपने रोजगार की भाल दे विच जांदे ने और कुवैत दे विच पूरी घटना वापरी है। और इमारत दीआं तस्वीरां तुसीं देख रहे हो, 6 मंजिला इमारत है जिथे ते अग लगण की घटना वापरी और इत्थे 40 लोगों की मौत की खबर हुण तक सामने आ चुकी है। और यह भी तुहानूं दस दईए कि इन्हां दे विचों बहुते यही कहा जा रहा है कि भारतीय मूल दे ने और क्योंकि पंजाबी बहुत इत्थे हुंदे ने तां इस करके चिंता पंजाब दे विच भी लाजमी तौर पर होएगी जिहड़े जिन्हां दे अपने कुवैत गए हुए ने। रुख करदे हां साडे सहयोगी इस समय शैलेंद्र वांगू साडे नाल जुड़ रहे ने, उन्होंने रुख करांगे दिल्ली तो। शैलेंद्र जानना चाहेंगे आपके पास क्या कुछ जानकारी, मरने वालों में कौन है, अभी तक कुछ पता लग पाया है? देखिए, इस पूरे मामले पे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खुद ही इस मामले की जानकारी दी है, जहां पर उन्होंने कहा है कि जो कुवैत सिटी में जो इंडियन लेबर कैंप है वहां पर एक भीषण आग लगी है जिसमें 40 लोगों की मौत हो चुकी है। हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि इसमें अधिकतर भारतीय हैं और वहीं इसके अलावा 50 से अधिक जो है वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं। और हम देख पा रहे हैं कि जो हमारे एम्बेसडर इस वक्त कुवैत में हैं वो संपर्क में बने हुए हैं, वो कुछ हॉस्पिटल भी उन्होंने विजिट किए हैं एम्बेसडर आदर्श सवाइका ने, और उन्होंने मुलाकात की है उन वर्कर्स से जो फिलहाल वहां पे एडमिटेड है। फिलहाल जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है उसके मुताबिक जो वहां पर लोग थे उनको अलग अलग हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, लेकिन अभी तक जो मरने वालों की संख्या है वो करीब करीब 41 बताई जा रही है जिसमें अधिकतर भारतीय बताए जा रहे हैं। हालांकि इसकी ऑफिशियल डिटेल्स अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन आपको बता दें कि जो जहां पे ये फायर जहां पे आग लगी है ये एक बिल्डिंग है जहां पर अधिकतर माइग्रेंट वर्कर्स रहते हैं और ये साउदर्न कुवैत का इलाका है जहां पर ये भीषण आग लगी है। आग के कारण का अब तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन फिलहाल जो है पहली प्राथमिकता है, जो पहली प्रायोरिटी है वो उन लोगों तक राहत पहुंचाने की है जो फिलहाल वहां पे हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं। और इस पूरे कांड पर जो है विदेश मंत्रालय की नजरें बनी हुई है, जो हमारी एम्बेसी कुवैत में है वो लगातार संपर्क में बने हुए इन तमाम लोगों के जो इस घटना में जो हताहत उनके परिवार के सब साथ भी। थोड़ा सा एक बार अगर आप दोबारा बता सके, आपने जगह का नाम लिया था कुवैत में, कौन सी जगह है जहाँ पर ये बिल्डिंग है, कुवैत के अंदर कौन सा हिस्सा है ये? देखिए, इसको मंगाफ बोलते हैं कुवैत का, ये सदर्न कुवैत का ये इलाका है और आपको पता होगा कि बड़ी वर्कफोर्स जो है वो भारत की गल्फ कंट्रीज में काम करती है जिसमें कुवैत भी शामिल है, तो उनके लिए अकोमोडेशन मुहैया कराया जाता है। तो ऐसे में इसी तरह का जो माइग्रेंट वर्कर्स के लिए जो ये अकोमोडेशन था जहां पर ये रह रहे थे, अपार्टमेंट बिल्डिंग है, 6 माले की बिल्डिंग है जहां पर किसी कारणवश आग लगी और ये आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को वहां से बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। और फिलहाल जो है कोशिश ये की जा रही है कि इन लोगों को जो कि इसमें हताहत हुए उनकी अभी आइडेंटिफिकेशन होना बाकी है। हालांकि आग पर कुछ हद काबू पा लिया गया है, एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है भारतीय दूतावास की तरफ से, इंडियन कुवैत जो है उनकी तरफ से एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है ताकि कोई भी इमरजेंसी अगर हो तो उस नंबर पर फोन करके रेज किया जा सकता है अपने कंसर्न को। और इसी बीच जो है विदेश मंत्री जयशंकर खुद इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। हालांकि शुरुआती जानकारी आ रही थी कि इसमें 40 लोगों के मारे जाने की खबर है, लेकिन इसमें भारतीय कितने हैं और किस किस राज्य से हैं और किस राज्य से कितने भारतीय वहां पर हैं ये अब तक डिटेल सामने नहीं आया है। लेकिन फिलहाल जो प्राथमिकता जो है जो हमारा स्टाफ है मिशन में कुवैत में वो लगातार अलग अलग हॉस्पिटल में जाके लोगों से मिल रहे हैं ताकि वो जान सके कि उनको किस तरह की जरूरत वहां पर तो नहीं है। तो ऐसे में पूरा जो विदेश मंत्रालय है जो कंसर्न विभाग है वो इस खबर पर बने हुए हैं और लगातार कोशिश की जा रही है उन लोगों तक राहत पहुंचे जो इस इंसिडेंट में जो विक्टिम रहे हैं। चलिए, शुक्रिया शैलेंद्र, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए इस पूरी बातचीत के लिए। इस समय की बहुत अहम खबर है कुवैत तो, कुवैत दे मंगाफ इलाका दसिया जा रहा है और जिथे पूरा घटनाक्रम वापरे, 6 मंजिला इमारत है
और ये इमारत इस तरीके नाल क्योंकि जो तस्वीर दे विच आपां देखिए तो लग रहा जिवें कोई होटल होवे, पर जो जानकारी है कि जिहड़े एक काम करने के लिए लोग उत्थे पहुँचते हैं तो उन्होंने लिए अकोमोडेशन भी कुछ इस तरीके मुहैया करवा दी जाती है। तो उत्थे जिहड़े लोग बाहरलियां कंट्रियां तो काम करने के लिए पहुँचते हैं उन्होंने इत्थे ठहराया जाता है या इत्थे रहिंदे ने। अच्छा, इन्हां दे विच ज़्यादा भारती ने कहा जा रहा, हुण भारत दे विच ओह किहड़े किहड़े स्टेट के लोग ने इस बारे अजे जानकारी क्लीयर नहीं हो सकी है। फिलहाल जानकारी यह है कि 40 तो वध लोगों की मौत हुई है, अग दे उत्ते काबू पा लिया गया, 6 मंजिला इमारत दे विच अग लगी सी और जिहड़ा दक्षणी कुवैत है उस वाले पासे ये पूरी इमारत मंगाफ का इलाका कहा जा रहा है। इनफैक्ट यह भी तुहानूं जानकारी दे दईए क्योंकि आप सारे जानते हैं, मैं पहला भी जिक्र किया कि कुवैत बहुत बड़ी गिणती च पंजाबी भी गए हुए हैं, इस करके चिंता पंजाबियों की भी लाजमी तौर पर है। वो किसी भी देश की दुनिया के किसी भी हिस्से का कोई शख्स हो जिसकी उत्थे जान गई है वह मंदभाग है, पर जो सीधे तौर पर अपने नाल आके गल जुड़ जाती है तो फिर वो एक अलग उस पूरे मामले का तुम कह सकते हो कि संदर्भ बन जाता है। तो कुवैत के 40 लोगों की मौत की खबर है, थोड़ी देर के क्लीयर होएगी। एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया, वह भी छेती असं अपनी टीवी स्क्रीन के उत्ते फ्लैश करांगे, जिहड़े बहुत सारे लोग इस समय गल करना चाहते होंगे। इनफैक्ट हुण तक बहुत सारे लोगों ने कुवैत दे विच रहिंदे अपने परिवारक मैंबरां दे नाल गल कीती भी होएगी इस खबर नूं देखण तों बाद। और 6 मंजिला इमारत दे विच अग लगी है, बहुत भयानक हादसा है, 40 लोगों की मौत की खबर आई है। फिलहाल अग दे उत्ते काबू पा लिया गया है, पर बावजूद इस दे एक चुनौती यह है कि उत्थे जिहड़े लोगों की मौत हुई है वह कित्थों दे रहिण वाले ने, उन्हां दे विच कई भारती ने, भारत दे विच किहड़े स्टेट दे ने, किस सूबे दे नाल संबंध रखते हैं, हुण तक यह साफ नहीं हो सकता। एक होर तुहानूं खबर दिखाने हैं, रूस ते यूक्रेन की जंग तो सामने आई है, इसका भी पंजाब दे नाल कनैक्शन निकलता नजर आया। रूस ते यूक्रेन दे विचाले चल रही जंग दे विच अमृतसर दे नौजवान तेजपाल सिंह की मौत हो गई। तेजपाल 12 जनवरी नूं टूरिस्ट वीजे दे उत्ते रूस गया सी। इल्जाम है कि रूस की फौज ने तेजपाल सिंह नूं जबरदस्ती आर्मी दे विच भर्ती किया अते यूक्रेन दे नाल चल रही जंग दे विच लड़न दे लई बॉर्डर दे उत्ते भेज दिता, जिथे उसकी मौत हो गई। जिहड़ी तेजपाल सिंह की डेड बॉडी है उस बारे भी कोई जानकारी सरकार वालों परिवार को नहीं मिली, तो इस करके परिवार को जदों ये जानकारी मिली कि उन्हों का जिहड़ा परिवारक मैंबर है वो इस दुनिया दे विच नहीं है, तो इस वेले घर दे विच जो रस्मों के मुताबिक तुसीं देख सकते हो कि इस वेले पाठ किया जा रहा है। जिक्र खास है कि रूस यूक्रेन की जंग दे विच तेजपाल सने दो भारतीयों की मौत हुई है, जिस तो बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए यह मुद्दा रूस के सामने चुकिया, रूस की आर्मी च भारतीयों को भर्ती नहीं करन अते भर्ती किए गए सारे भारतीयों को वापस भेजने को भी कहा गया है। खैर, कोई टूरिस्ट वीजे के उत्ते किसी कंट्री दे विच गया होवे ते उत्थों दे लोकां ने उत्थे दी सरकार ने धक्के दे नाल फौज दे विच भर्ती कर दिता होवे और जंग दे लई भेज दिता होया होवे, ये खबर अपने आप दे विच हैरान करन वाली जरूर है। पर परिवार जिन्हां दा अपना बेटा चला गया दुनिया तो उन्हां नूं फर्क तां पैंदा। अगली खबर का रुख करते हैं, पाकिस्तानी कुड़ी दे नाल प्यार दे चक्कर दे विच उत्तर प्रदेश का एक मुंडा सलाखां दे पिछे पहुंच गया। दरअसल जुनैल बिना वीजा बिना पासपोर्ट ही पाकिस्तान दे विच बैठी अपनी प्रेमिका दे नाल मिलन दे लई यूपी तो निकल पिया अते कई किलोमीटर का सफर तय करता होया फाजिलका च भारत पाकिस्तान बॉर्डर ते पहुंच गया। जुनैल इत्थे लुक छिप के बॉर्डर पार करन दी फिराक दे विच सी, पर सरहद दे उत्ते फौज दे करड़े पहरे दे विचाले इह बॉर्डर पार नहीं कर सकिया ते BSF दे हत्थे चढ़ गया, जिस तों बाद BSF ने इस नूं पुलिस दे हवाले कर दिता। ਵਿਆਹ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਕਹੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਮੇ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਮੇਰਾ ਇਹਨੇ ਕਰਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਦਾ ਦਿਮਾਗੀ ਸੰਤੁਲਨ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜੁਨੈਲ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕੁੜੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਰ ਜੁਨੈਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਆਰ ते सोशल मीडिया के उत्ते गलबात तां बिना वीजा पासपोर्ट तो की जा सकती है, पर सरहद पार करन दे लई पासपोर्ट भी चाहिए ते वीजा भी। खैर, फिलहाल सलाखां दे पिछे है जुनैल। अगली खबर का रुख करते हैं, अमृतसर दिल्ली जा रही अमृतसर तो दिल्ली जा रही वंदे भारत एक्सप्रैस वे नूं फगवाड़ा अते गुराया दे विचाले पत्थरबाजी ट्रेन दे उत्ते
पत्थर लगन दे नाल ट्रेन दीयां दो ताकियां दे शीशे नूं नुकसान पहुंचे है। ये जानकारी ट्रेन दे विच सफर कर रहे एक मुसाफर ने भी दित्ती। भाई साहब ने देखा पूरा ये पता नहीं लग सकिया कि पथराव की घटना बच्चों की शरारत के तौर के उत्ते की गई या फिर दहशत फैलाने के लिए अजिहा किया गया, इस गल की जांच की जा रही है। पर पथराव तो बाद ट्रेन के अंदर दहशत का माहौल जरूर बन गया। अगली खबर का रुख करते हैं, तो खबर है कैथल तो। कैथल दे विच सिख शख्स दे नाल कुटमार दे मामले च हुण एक पंज मैंबरी SIT दा गठन कर दिता गया। DSP गुरविंदर सिंह दी अगवाई दे विच SIT मामले दी जांच करेगी। इस तो अलावा पुलिस ने मुलजमां ते 10,000 रुपए दा इनाम भी रखे है, ते जो भी मुलजमां दी पछाण ते सूचना देवेगा उसनू इनाम दिता जाएगा। पुलिस ने मुलजमां दी इतलाह देण दे लई 3 नंबर भी जारी कीते ने। हमने DSP गोविंदर सिंह है उनके अंदर में एक SIT बना दी गई है जिसमें 5-4 मेंबर हैं। उनके अलावा SIT है वो हर एक पहलू पे अपना जांच कर रही है। पूरे शहर के CCTV कैमरे हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से खंगाले जा रहे हैं। इसमें जो भी अक्यूज होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। जिक्र खास है कि कैथल दे विच DC रिहायश दे नेड़े दो बदमाशां ने एक शख्स दी कुटमार कीती सी। पीड़ित दा इल्जाम है कि बदमाशां ने उसनू खालिस्तानी कहा सी अते जदों उसने विरोध किया तां बदमाशां ने कुटमार दी वारदात नूं अंजाम दित्ता। ते इस पूरे मामले दे विच इक तथ ये भी है कि 48 घंटियां बाद भी पुलिस हुण तक यह पता लगाउण दे विच नाकाम रही है कि कौन सी हमला करन वाले या जिन्हां ने इस तरीके नाल टिप्पणियां खालिस्तान वालियां इस शख्स दे उत्ते कीतियां सी। अगली खबर का रुख करते हैं, खबर है लुधियाना तो। लुधियाना दे विच किसानां ने लाडोवाल टोल प्लाजा दे उत्ते पक्का धरना देने की चेतावनी दी। दरअसल लाडोवाल टोल प्लाजा दे उत्ते टोल पर्ची दे रेट दे विच इजाफा होया है, जिस दे विच भारतीय किसान मजदूर यूनियन कटौती की मांग कर रही है। किसान यूनियन ने इस दे लई टोल प्लाजे नूं शनिवार तक का समां दिता है। ये तो तुम शनिवार तक घट कर दोगे तो ठीक है, नहीं तो अं एतवार को टोल फ्री कर देंगे। जिन्ने दिन टोल का रेट सही नहीं करते उन्ने दिन फ्री रहो। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੇਟ ਜਾਇਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 150 ਰੁਪਇਆ ਜਾਇਜ਼ ਸੀਗਾ, 150 ਰੁਪਇਆ ਕਰ ਦਿਓ। 150 ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਖਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਚੱਲ ਦੇ ਕੇ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਟੋਲ ਇਹੀ ਹੈ ਲੱਗਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਟੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਟ ਵਧੇ ਨੇ ਔਰ ਜੂਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਟੋਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਖਬਰ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ GST ਆਫਿਸ ਦੇ 5ਵੇਂ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 5th ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਔਰ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਫੜਾ ਤਫੜੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਔਰ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। GST ਆਫਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਚਾਨਕ ਕੁਝ ਸੜਨ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਬਦਬੂ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਫੌਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਫਲੋਰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਗੱਡੀਆਂ ਬਾਹਰ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕਢਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਮੰਨ ਲਓ ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਇੱਕਦਮ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲਾ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਅਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 10 ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਲਈ, ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਗੱਡੀਆਂ ਅੱਡੀਆਂ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ GST ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਅੱਗ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਆ ਕੇ ਮੌਕੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹੀ ਅੱਗ ਸੀ ਜੋ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਅੱਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਸੜਕੀ ਸਵਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ GST ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 32 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੂੰ ਬੰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਧਮਕੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਮੇਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਸਵੇਰੇ 9:40 ਤੇ ਮੇਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਬ ਰੱਖੇ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਫੜ ਜਾਣਗੇ।
ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਰ ਜਾਵੋਗੇ। ਮੇਲ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਫ ਨੇ ਫੌਰਨ ਇਸ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਬ ਸਕੁਐਡ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 150 ਲੋਕ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 20 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਓਪੀਡੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਏ ਸਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਸੈਕਟਰ 32 ਦੇ ਮੇਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਸਰ ਪੁਲਿਸ? ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਦੇ ਸਾਡੀ ਬੰਬ ਸਕੋਟ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਸਾਰੇ ਉਹ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਰੇ ਟੋਟਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋਏ। करीब 1 बजे तक पूरी तलाशी तो बाद बिल्डिंग के अंदरों कुछ भी शकी नहीं मिलिया। पुलिस और बॉम्ब स्क्वाड की टीमां वापस चलिया गई, स्टाफ भी दोबारा हस्पताल दे विच पड़ता आया। उत्थी मेल की जांच के लिए साइबर टीम लगी हुई है। तो धमकी तो फर्जी निकली है। खैर, जदों कोई फर्जी धमकी के जरिए हस्पताल के प्रशासन से उत्थे दाखिल मरीजों को परेशान कर दे, फिर फर्क तो पैंदा। हुण अगे वधदिआं ते अगली खबर है घग्गर दे नाल जुड़ी हुई। घग्गर ब्रांच दे विच 15 फुट का पाड़ पिया है, तस्वीरां ने लहरा गागा ने लहरा गागा नेड़े ये नहर दे विच पाड़ पिया है ते पाड़ नूं पूरन दीआं हुण कोशिशां जारी ने। स्थानक लोकां दा नहरी विभाग दे उत्ते इल्जाम इस समय यह है कि नहरी विभाग दे वल्लों ज़्यादा पानी छड़ दित्ता गया, जिस दी वजह दे नाल ये पाड़ पै गया। नहर दे किनारियां दे कोई मरम्मत नहीं हुई। आम तौर ते हुंदा है कि बरसातों के मौसम के जो भी झोने की वजह भी पानी छड़िया जाता वक् वक् माइनर नहर रजवाहियों के उन्होंने पहला सफाई भी करवाई जाती है। तो लोगों का यही तर्क है जोड़े उत्थे मौजूद थी कि पहला कोई सफाई नहीं करवाई गई और मुरम्मत नहीं करवाई गई किनारे की, पानी छड़ दिता गया तो किनारे झल नहीं सके, पानी की मार से इस विचाले पाड़ पै गया। हूँ पाड़ को भुरन की कोशिश जारी। कदों कोटर जाने जी वो बचाले पुल तो घट्टो घट्ट अद्धी किलोमीटर तो थोड़ा जि घट्टा ये लहर के जी नहर जाती है उत्थे पाड़ पै चुका जी। हूँ तो घट्टो घट्ट जी 10-15 फुट का पाड़ पै जी। जे जल्दी ये गौर ना की गई जी ये बद के होर बहुत बड़ा पाड़ हो सकता जी। पाली साइड तुम देख सकते जी उधर जो अपना पानी आ बहुत रफ्तार ना गग वाली साइड में पानी जान लग रहा जी। उत्थे जो भी कोई नुकस घर ने जा कोई किसी भी तरह की कोई उत्थे नुकसान मतलब हो सकता है जी। ये जी अपनी नहर है लहरे वाली ये अच्छ पानी काफ़ी ज़्यादा है तो ये लहरे तो जो आप गागे वालों कोटे वालों जाने वो गागे पिंड साइड पहला नहर के खड टाइप पिया पाड़ साड़ी पुलिस पार्टी पहुँच गई थी। हम थोड़ा पाड़ बड़ा पै गया तो नहरी विभाग को इनफॉर्म किया जा चुका है तो उन्होंने जे सी बी आ गई है तो वो एफर्ट्स कर रहे हैं कि जल्दी ये जोड़ा पाड़ पहले पूरा जाऊ। अगली खबर है चंडीगढ़ तो। चंडीगढ़ के बढ़ती गर्मी का असर हुण सैलानियों की पसंदीदा थां सुखना लेक के उत्ते भी दिखना शुरू हो। वादे फारे के नाल ही सुखना लेक के पानी का पद्धर लगातार घट हुंदा जा रहा है, जिसका असर इत्थे आउण वाले सैलानियों की गिणती आले दुआले के इलाके से भी नजर आ रहा है। लगातार इस तरीके पानी का पद्धर घटता गया तो आने वाले दिनों के इसका असर लेक के होने वाली बोटिंग के उत्ते भी पै सकता है। हम घूम आए थे हम देखे कि पानी इतने बहुत ज़्यादा घट गया, पहला काफ़ी ज़्यादा होंगे हम पानी बहुत ज़्यादा घट गया। बाकी इतने अगे तो पानी बहुत होंगे सी हम तो पानी काफ़ी घट है पर रौनक दिखना है जी। पंजाब हरियाणा समेत चंडीगढ़ में गर्मी का कहर जारी है। मौसम विभाग ने अज की गर्मी के चलते येलो ते ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया होया है। चंडीगढ़ मौसम विभाग के मुताबिक अजे आने वाले दिनों च गर्मी तो कोई राहत नहीं मिलने वाली तो अगले 5 दिनों तक आपको आइसोलेटेड पार्ट में पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ तीनों जगह आपको ऑब्जर्व किए जाएंगे और कुछ जगह वार नाइट के कंडीशंस भी ऑब्जर्व किए जा सकते हैं। ऑलरेडी हीट वेव को लेकर आज और कल हमने ऑरेंज वार्निंग दी हुई है। हालांकि 27 जून तक मानसून पंजाब के दस्तक दे सकता है, जिस तो बाद राहत की उम्मीद जरूर है। जून के आखिरी हफ्ते का इंतजार जरूर करना होगा जो राहत मिलेगी, क्योंकि मानसून की एंट्री राहत भरी जरूर होंगी है आम लोगों के लिए भी खास तौर पर किसानों के लिए। अगली खबर का रुख करते हैं। TDP सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के 24वें मुख्यमंत्री के तौर के उत्ते सहुं चुके। सहुं चुक समागम के प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह सने NDA के मंत्री और होर सूबे के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। सहुं चुक समागम तो बाद प्रधानमंत्री मोदी ने नायडू नूं गले लगा के बधाई दी। नायडू चौथी बार सूबे की कमान संभाल रहे ने। नारा चंद्रबाबू नायडू ने नेनू
शासन द्वारा निर्मित भारत राज्यांगम पटला। इस दे नाल ही उन्होंने आंध्र दे विच सब तो ज्यादा बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। चंद्रबाबू नायडू तो इलावा जनसेना दे मुखी अते एक्टर पवन कल्याण ने डिप्टी सीएम दे औहदे दी सहुं चुकी है। उन्होंने सहुं चुकन तो बाद नायडू दे पैर छुए। तीजे नंबर दे उत्ते नायडू दे बेटे नारा लोकेश ने सहुं चुकी। नवी सरकार दे विच सीएम अते डिप्टी सीएम सने 25 मंत्री ने। इन्हां दे विच टीडीपी दे 20, जनसेना दे 3 अते बीजेपी दे 1 मंत्री नूं शामिल कीता गया है। हालांकि अजे भी कैबिनेट च एक औहदा खाली है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सहुं चुकी है ते ओडिशा के मुख्यमंत्री के सहुं चुक समागम चुनाव लेके चल सीएम औहदे की सहुं चुक रहे ने मोहन मांझी। ओडिशा के 15वें मुख्यमंत्री बने ने मोहन चरण मांझी। केवी सिंहदेव ते प्रभाती परिदा नू डिप्टी सीएम बनाया गया। सूबे दे विच पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है ओडिशा दे विच। इस तो अलावा 13 मंत्री भी सहुं चुक रहे ने। और क्योंकि 12 जून का दिन तय किया गया सी आंध्र प्रदेश अते ओडिशा दे विच। ओडिशा च तां बीजेपी एक बहुत स्ट्रोंग निकल के सामने आई ते दूजे पासे जिहड़ा बीजेपी अलायंस दे नाल चंद्रबाबू नायडू भी बहुत स्ट्रोंग पार्टी दे तौर दे उत्ते नजर आए आंध्र प्रदेश दे विच। आंध्र प्रदेश ते ओडिशा दोवां दे मुख्यमंत्रियों ने अज हलफ ले। ते फर्क तां पैंदे दे विच हुण वेला हो चलिया तुहाडे तों इजाजत लैण दा। रात 9 बजे मुड़ तो मुलाकात होगी। फिलहाल दे लई मैनूं इजाजत दिओ। तुसीं जुड़े रहो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।